आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर टेस्टी एकदम न्यू स्टाइल का इवनिंग टी टाइम स्नैक्स। ये खाने में जितने ज़्यादा टेस्टी, बनाने में तो बहुत ही सिंपल और आसान है। ये हैं सूजी वेज टिक्का। इन्हें आप पहले से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब आप इन्हें खाना चाहें तो तुरंत के तुरंत 5 मिनट में फ्राई करके इन्हें तैयार कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने किचन ट्रीट्स केटी में। इस स्नैक्स को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 कप सूजी। सूजी आप मोटी महीन किसी भी तरह की ले सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 कप बेसन। जितनी आप सूजी लें उतना ही आप ले लें बेसन। दोनों को बराबर क्वांटिटी में ही लेना है। अब इसमें 1 कप डालेंगे पानी और इसे मिक्स कर लेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से विस्क या स्पून से इसे मिक्स करते जाएं, जिससे लम्स न बने। बेसन सूजी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की रखनी है। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या आप जितना तीखा पसंद करें उतनी मात्रा में मिर्च डाल सकते हैं। इसी के साथ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब नाश्ते को और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ सब्जियाँ। 2 टेबल स्पून मैंने ली है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ टमाटर, इसके सीड्स को मैंने निकाल दिया है, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ प्याज। इसी के साथ 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश हरा धनिया। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सब्जियाँ नहीं डालेंगे। आपको अगर इसमें से कोई सब्जी पसंद नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी हमारी कोई नई रेसिपी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ बैटर मुझे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं 1/2 कप पानी और मिला रही हूँ। बैटर बनकर तैयार है। इस तरह का बैटर बनाकर हमें तैयार करना है। अब लेंगे एक पैन और इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के गर्म हो जाने पर इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच ग्रेटेड अदरक, इसे भून लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे बनाए हुए सूजी बेसन के बैटर को। इसे चलाते रहेंगे। इस समय गैस की फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है और इसे तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहें, जिससे ये नीचे से जले नहीं। बहुत जल्द ही ये गाढ़ा होने लगता है क्योंकि सूजी बेसन बहुत जल्द ही सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसे लगातार चलाते हुए तब तक हमें पकाना है जब तक ये पैन को छोड़ने ना लगे। यानी हमें इस बैटर को पकाना है जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। अचानक आपके घर अगर मेहमान आ जाए तो ये बहुत ही अच्छी और अलग सी रेसिपी है, सभी को पसंद आने वाली। अब आप देख रहे हैं कि मिक्स गाढ़ा होने लगा है और इस तरह से करने पर इकट्ठा सा हो रहा है। तो बस जब मिक्स इस तरह से पैन को छोड़ने लगे और इकट्ठा सा होने लगे तो गैस को ऑफ कर देंगे। अब लेंगे एक प्लेट या थाली, इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब बनाए हुए मिक्स को इस पर निकाल लेंगे और इसे पूरी प्लेट में इवनली स्प्रेड कर देंगे। साइड से इसे मैं चौकोर शेप में कर रही हूँ क्योंकि हमें इसके अभी पीसेस करना है। अब इसे 10-15 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे ये ठंडा हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब आप जिस शेप में इसे काटना चाहें काट सकते हैं। मैं इन्हें चौकोर शेप में काट रही हूँ, तो इस तरह से सभी को कट करेंगे। आप इस तरह से इसे काटकर एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं और जब आप इन्हें बनाना चाहें तो तुरंत के तुरंत फ्राई करके इन्हें सर्व कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही जल्दी ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है और इसमें अपनी मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जिससे ये नाश्ता और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। यहाँ मैंने इसे बराबर पीसेस में कट कर लिया है। आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं
लेकिन इन्हें मैं और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन में ऑयल। ऑयल में से हीट आ रही है तो इन पीसेस को एक एक करके पैन में रख देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम गर्म ऑयल में इन्हें फ्राई करेंगे और जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएं तो इन्हें पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से हमें इन्हें फ्राई करना है तो सभी को पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है। अब स्नैक्स दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इनमें ब्राउन कलर भी आ गया है। ऊपर से हल्के से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें इस तरह से आप किसी टिश्यू पेपर या किचन टॉवल पर निकाल लीजिए जिससे ये इसका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। और बचे हुए स्नैक्स को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमारा सेकंड बैच भी बनकर तैयार है। तो ये लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट मज़ेदार सूजी बेसन स्नैक्स बनकर तैयार है। ये देखिए, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट। आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।